तो देखिएगा इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत सरकार द्वारा आगामी कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जो सरकार ने निर्धारित करें, और लिहाजा ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, गगनयान मिशन जो है भारत सरकार 2022 तक इसे कंप्लीट करेगी, और इसमें क्या है कि इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अभियान जो है लॉन्च किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी द्वारा भारत के व्यक्ति जो है पहली बार भारत की मशीनरी, भारत की टेक्नोलॉजी और भारत के ही व्यक्ति यानी पर्सन स्पेस में जाएंगे। दूसरा है, सरकार ने कहा है किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य है वो 2022 तक है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इंडिया बनाना है, तो वो बनाना है 2022 तक। इसके बाद सबके लिए घर सरकार ने घोषणा कर रखी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कि 2022 तक सभी लोगों को घर मुहैया करा देंगे। इसके बाद सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराने हैं, तो इंटरनेट से डिजिटली रूप से जोड़ देंगे सभी गांवों को, तो वो है 2022 तक। सबके लिए घर है 2022 तक। हर घर जल पहुंचाना यानी जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का 2024 तक। डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च करना है एक, तो वो है आपका 2024 तक सरकार का कुछ ऐसा प्रोग्राम है। इसके बाद 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है सरकार का 2025 तक, और हाल ही में आप लोगों ने देखा है यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है, बनाया गया है कहां पर, कुशीनगर में। इसके बाद भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है भारत को, और वो बनाना है 2025 तक। इसके साथ साथ टीवी फ्री करेंगे 2025 तक, मिल्क प्रोडक्शन जो है दोगुना कर देंगे 2025 तक, और 100% इलेक्ट्रॉनिक कार आ जाएंगी 2030 तक, और HIV खत्म करने के लिए भी भारत सरकार ने कहा है भैया कि 2030 तक जो है हम इन चीजों को कंप्लीट कर देंगे। तो ये 2-3 मिनट में देखिएगा आपका पूरी समरी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही होगी। थैंक यू।